मुझे बहुत नफरत और घृणा हो गई है कि मैं इन तीनों की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ और ना अपनी दिखाना चाहूँ। कई रोज तो बेटा ऐसा होता था, लोग दीवार पे गैया की रोटी भी रख देते, मैं देखती कोई नहीं है तो मैं रोटी भी उठा के खाती थी। मेरे बच्चे बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ में कि बच्चे याद नहीं आते हमारे को। ऐसे ही हमारे यहाँ वृद्ध माता पिता और भी हैं जो कि घर से सताए हुए हैं, मार पीट के घर से निकाल दिया जाता है और वह अपने को असहाय समझकर आश्रम में शरण लेते हैं। हम ऐसे ही लाचार वृद्ध माता पिता की अपने आश्रम में निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। इसी तरह से गौ माता जिनको के लोग दूध पिया और फेंक दिया, इस तरह की बहुत सी गाय हैं जो हमारे यहाँ रहती हैं। हमारे जो सेवादार हैं वो पूरे शहर में घूमते हैं कि अगर कोई दीन दुखी कहीं कोई असहाय अगर पड़ा हुआ है तो उसको जाकर पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, यहाँ क्यों रह रहे हो फील्ड में, तो यो इस तरह से उसको समझा के फिर हम अपने आश्रम के बारे में उसे बताते हैं। तो फिर वो अगर राजी हो जाता है फिर उसको देखभाल करते हैं, अगर उसका कोई भी आश्रित अगर मिल जाता है तो हम उसकी घर पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारी गाय माता जो रोड किनारे पड़ी रहती हैं और हमारे सेवादार जब जाते हैं उनको देखते हैं तो उनसे देखा नहीं जाता और अपने डॉक्टर को बुलाते हैं, उसे अपने आश्रम में लाते हैं और उसकी भरपूर सेवा करते हैं। रामलाल वृद्धा आश्रम एवं गौशाला एक ऐसा सेवा मंदिर है जिसमें सेवा को ही अपना पूर्ण दायित्व समझा जाता है। इस समय रामलाल वृद्धा आश्रम एवं गौशाला में 650 गौ माता हैं और 350 वृद्धजन हैं जिनकी कि हम निःशुल्क देखभाल करते हैं। मैं नागेंद्र सेंगर रामलाल वृद्धा आश्रम एवं गौशाला की तरफ से सभी देशवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस गौशाला एवं वृद्धा आश्रम की अच्छी से अच्छी देखरेख एवं इन बुजुर्गों की गायों की अच्छी से परवरिश हो सके, इस में हमारा जितना भी सहयोग हो सके उतना सहयोग करने की कृपा करें जिससे कि हम इन लोगों की अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें। नमस्कार।